हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैगर ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज का जो हम वीडियो लेकर आए हैं, ये है हमारी क्लास 9 हिंदी कोर्स ए की। हमारी बुक है शतज भाग एक के काव्य खंड का अध्याय है 16, यमराज की दिशा। ये कविता है जिसे हमारे सामने प्रस्तुत किया है चंद्रकांत देवतारे जी ने। ये जो आज वीडियो है, इसमें हम कंप्लीट चैप्टर रिविजन करेंगे, यानी कि फटाफट हम पूरे चैप्टर को समझेंगे। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन पहले करा चुकी हूँ। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, हम सबसे पहले कविता देखेंगे, उसके अर्थ को समझेंगे, सार देखेंगे और कुछ प्रश्न उत्तर को देखेंगे। याद रखिए, अगर आप पहली बार इस कविता को देख रहे हैं तो डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देखिएगा। ये क्विक चैप्टर रिव्यूजन है, अर्थात हमारे टेस्ट या एग्जाम के दौरान हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पर हम मेन पॉइंट्स के आपके साथ डिस्कस करेंगे, फटाफट हम चीज़ों को समझाएंगे। लेकिन अगर डिटेल में देखना है तो जो पहले हम आपको एक्सप्लेनेशन करा चुके हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन, उसे आप देखिएगा। तो शुरू करते हैं इस कविता को। तो इस कविता में, जैसे कि आप नाम से ही देख रहे हो, यमराज की दिशा की जो हमारे कवि हैं उनकी माँ ने बताया था कि दक्षिण दिशा जो है वो यमराज की दिशा होती है। किस तरीके से कवि हमारे उसमें उलझे, यमराज के घर को ढूंढने निकल पड़े, और किस तरीके से आज प्रेजेंट समय में सारी दिशाएं यमराज की दिशा हैं, ये सभी कुछ उन्होंने इस कविता में हमको समझाया है। तो चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। तो अब ये है कि अब उनकी माँ नहीं है, हमारे जो कवि जब कविता लिख रहे हैं तो उनकी माँ है नहीं। तो अब जब बचपन से माँ से जो बातें होती थी उसको याद करते हुए वो लिख रहे हैं। क्या कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि मेरी माँ की मुलाकात जो है वो कभी ईश्वर से हुई थी या नहीं, ये मुझे नहीं पता। लेकिन वो हमेशा ये जताती थी, मतलब वो ये चीज़ जताती थी कि वो ईश्वर से मिलती हैं, उनसे बात करती हैं, उनसे सलाह लेती हैं, उनकी बातों को सुनती हैं, समझती हैं, और उसी के अनुसार, कि ईश्वर जो बताते हैं, जो सलाहें देते हैं, जो परामर्श देते हैं, उसी के अनुसार वो अपनी ज़िंदगी के सुख और दुख को वो जो है आसानी से काट लेती है। माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं। अब माँ की बात को याद करते हुए बोलते हैं कि एक बार मेरी माँ ने बोला था कि दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सोना, दक्षिण दिशा जो होती है ना उसकी तरफ कभी भी पैर करके मत सोना। तो भाई होते हैं भाई, सभी बच्चे आर्ग्यू करते हैं क्यों क्या, तो इन्होंने बोला, तो उन्होंने माँ ने बोला कि वो यमराज की दिशा होती, अगर तुम उस तरफ पैर करके सोगे तो यमराज जी को बहुत बुरा लगेगा और वो क्रोधित हो जाएंगे। अब चूंकि मृत्यु के देवता हैं यमराज, तो उनको क्रोधित करना तो किसी भी हद में अच्छी बात तो है नहीं, तो इसलिए अगर उनको तुम जो है नाराज करोगे तो ये बहुत ही गलत चीज हो जाएगी। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था, उसने बताया था तुम जहां भी हो वहां से हमेशा दक्षिण में। तो अब क्या, जब माँ ने ये बात उनको समझाई थी ना, तो हमारे जो कवि हैं वो बहुत छोटे थे, तो उन्होंने सीधे ये पूछा कि माँ जो है यमराज जी का घर कहाँ है, आप एड्रेस बताओ। तो माँ ने बोला कि तुम भविष्य में कहीं पर भी रहो, तुम वहाँ से सीधे कहाँ जाना, दक्षिण दिशा। हमेशा कहाँ पर जाएंगे आप, दक्षिण दिशा में, तो वहाँ पे तुम्हें जो है उनका घर मिल जाएगा। माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया, मैं इससे इतना फायदा जरूर हुआ दक्षिण दिशा पहचानने में, मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। तो क्या हुआ, जब माँ ने ऐसे समझाया तो कभी भी जो है उसके बाद मैं दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोया। तो इसमें कोई फायदा हो चाहे ना हो, यमराज जी खुश हो या दुखित हो, क्रुद्ध हो, मुझे ये नहीं पता, लेकिन इससे एक चीज ये फायदा हुआ कि मुझे पूरी जिंदगी दक्षिण दिशा का ज्ञान हो गया कि किस तरफ दक्षिण दिशा होती है, ये चीज मैंने जानना सीख लिया है। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई, दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था, होता छोर तक पहुंच पाना तो यमराज का घर देख लेता। तो उन्होंने, जैसे उन्होंने बताया था ना माने कि दक्षिण दिशा में यमराज का घर है, तो भाई एक बार हमेशा वो दक्षिण दिशा की तरफ जाते, बहुत दूर दूर तक निकले,
लेकिन अगर दक्षिण दिशा का कहीं छोर होता तो शायद वो, अब दक्षिण दिशा में बढ़ते जाएंगे भाई, इसका कोई अंत तो होता नहीं है, अब बढ़ते जाइए दक्षिण दिशा कभी खत्म होने वाली, कभी नहीं खत्म होने वाली है। तो उसका अगर छोड़, यानी दक्षिण दिशा का कहीं अंत होता तो शायद मैं यमराज का घर भी ढूंढ पाता, यानी कि दक्षिण दिशा में वो बहुत गए, उन्होंने बहुत कोशिश करी मगर कहीं पर भी उन्हें जो है यमराज का घर नहीं मिला, क्योंकि दक्षिण दिशा का ही कहीं पर अंत नहीं था। पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है ये भी अभी समझाएंगे। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी में एक साथ हैं, सब अपनी दहकती आंखों सहित विराजे हैं। तो अब यहाँ कह रहे हैं कि मैं किसी भी दिशा में पैर करके सोऊं, सभी दिशाएं दक्षिण दिशा, ऐसा उन्होंने क्यों बोला, क्योंकि चारों ही तरफ जो है भ्रष्टाचारी, लोभी, निर्दयी, शोषण करने वाले लोग हर दिशा में अपने आलीशान महलों को बनाकर रह रहे हैं, यानी कि भ्रष्टाचार लोग, यानी कि आपको मृत्यु प्रदान करने वाले भाई भ्रष्ट होंगे तो कहीं ना किसी भाई कोई कॉन्ट्रैक्टर का भ्रष्ट होगा तो पुल गिरेगा तो लोग मरेंगे, है ना, मिलावटी खाना होगा तो लोग मरेंगे। तो हर तरीके आज हर तरफ चारों तरफ कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी लोग विद्यमान हैं, उनके बड़े बड़े ये भ्रष्टाचार करके गलत काम करके उनके आलीशान महल खड़े हुए हैं। तो और वो अपनी दहकती आंखों से, अर्थात वो अपनी इन आंखों से लोगों को शिकार बनाने के लिए तैयार रहते हैं। माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जानती थी। माँ अब नहीं है तो माँ ने जब बताया था कि यमराज की दिशा दक्षिण दिशा होती है, तो माँ भी नहीं है और माँ ने जिस दक्षिण दिशा का मुझे ज्ञान दिया था आज वो दक्षिण दिशा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि चारों दिशाएं ही दक्षिण दिशा में तब्दील हो चुकी। तो अब उनको ये लगता है कि अगर माँ इस समय होती तो वो जरूर दुखित होती, क्योंकि अब चारों तरफ यमराज होने के कारण चारों ही दिशाएं यमराज की दिशा में तब्दील हो चुकी है। तो ये हमारी कविता थी, ये अर्थ था किस तरीके से माँ की सीख को उन्होंने आज वर्तमान में घट रही त्रासदियों के साथ जो है हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया है। अब इसके सार को देखेंगे क्या है। अपनी इस कविता में कवि सभ्यता के विकास की खतरनाक दिशा की ओर इशारा करते हुए कहता चाहता है कि आज के समय में चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जो उन्होंने अपने आखिरी छंद में हमको बताया है। समाज में हर जगह बुराई फैल चुकी है। कवि को लगता है कि अब चारों तरफ यमराज का ही वास है। शहरों में चारों ओर बनी ऊंची ऊंची इमारतें उन्हें यमराज की याद दिलाती है। हर जगह लोगों में भ्रष्टाचार, हिंसा, लालच जैसी भावनाएं घुस चुकी हैं और इसी कारणवश वे सभी एक दूसरे को मौत की नींद सुलाने वाले हैं। मतलब आप बस अपना फायदा देखना चाहते हो, भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया, हमारी गलत कामों से किसको नुकसान हो रहा है, किसकी मौत हो रही है, हम ये नहीं देखते। बस हम ये देखते हैं कि भाई हम खुद इतना पैसा कमा लें, अपना बड़े से बड़ा घर, अपनी हर एक आल जो है शान और शौकत कायम रखें, ये चीज़ हो गई है। कवि अपनी माता को याद करता है जिन्होंने उसे बताया था कि दक्षिण दिशा में यमराज का वास है, लेकिन अब कवि को लगता है कि यमराज सर्वव्यापी है। खाली अब एक यमराज नहीं रह गए, अब इस समाज में बहुत सारे यमराज हैं जो चारों तरफ विद्यमान हैं और इसी वजह से वो चैन की नींद नहीं सो पा रहा है। कि मतलब चारों तरफ इतने ज़्यादा हैं कि अब हम किस पे भरोसा करें, क्या करें, ये हम ही को पता नहीं होता। तो फटाफट हमने देखी, फटाफट कविता पढ़ी, उसके अर्थ को समझा और सार। अब कुछ प्रश्न देखते हैं जो हमने पहले नहीं किए, अर्थात हमारी एनसीईआरटी बुक में नहीं रहे, ये अलग से हैं मगर इसी अध्याय से संबंधित हैं। तो किस तरीके से आपसे एग्जाम में जो है वो एनसीईआरटी से अलग भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो वो भी आपको प्रिपेयर करने पड़ते हैं। अगर आप एक बार कविता पढ़ के समझ जाओगे तो प्रश्न कहीं से भी पूछा जाए तो आपके लिए कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उसी तरीके के कुछ एग्जाम्पल्स हम आपके सामने लेकर आए। क्या है? कवि देवताली की माँ ने आपको भारतीय माँ की कौन सी छवि दिखाई देती है, लिखिए। तो एक हम कहते हैं ना, हम अगर अपनी माँ भी बोले तो हमारी माँ भी हमको बहुत सारी चीज़ें बताती है ना। कहती पूरब की तरफ पैर के नहीं करके नहीं सो, दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सो, घर का मंदिर जहाँ पर है उस दिशा में पैर करके नहीं सो, बहुत सारी चीज़ें हमारी माँ बताती हैं। तो ये क्या होता है, एक पारंपरिक चीज़ होती है जो उनकी माँ ने उन्हें सिखाई, वही सारी चीज़ें चलती चली आई। अब आप या ये तो हो सकता है कि हम कई बार आर्ग्यू करते हैं अपने,
लेकिन ये आर्ग्यू का पॉइंट नहीं होता है। अगर माँ कभी भी बच्चे का बुरा नहीं चाहती, तो अगर माँ आपको कोई चीज़ बोल रही है तो बिना आर्ग्यूमेंट के उन चीज़ों को मानने में कोई बुराई नहीं है। हमें सोना ही है तो जिस तरफ भाई पैर कर लो, माँ ने जिधर बोला उधर पैर मत करो, जहाँ बोल रही है मत करो, तुमको सोना है दूसरी दिशा में पैर करके सो जाओ। आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए बात यहाँ पे। तो यहाँ पर जो एक माँ का जो रूप प्रस्तुत किया है वो एक पारंपरिक माँ है, अपने बच्चे का भला चाहने वाली माँ है। तो वो माँ जिसको हम सभी अपनी माँ के रूप में देखते हैं, वो माँ यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। तो क्या है, कवि चंद्रकांत देवताले की माँ ने हमें पारंपरिक भारतीय माँ की छवि दिखाई दे दी है। वह भी भारतीय माँ की तरह धार्मिक प्रवृत्ति की है तथा ईश्वर की इच्छा को ध्यान में रखते हुए जीवन व्यतीत करती है। वह अपनी संतान को भी धार्मिक संस्कार देती है। भाई हमारा धर्म, हमारा इससे हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति है। तो जो भी आपका धर्म है, जिसे भी आप मानते हो, तो हमसे ज़्यादा जानने वाली हमारे बड़े हैं। तो वो हमें अगर कोई चीज़ सिखा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो हमसे ज़्यादा जानते हैं। तो हमें वो सिखाने की कोशिश, वो संस्कार हमारे धर्म के हमारे अंदर डालना चाहते हैं। तो वही रूप हमें यहाँ पर देखने को मिला है। प्रश्न संख्या दो है, यमराज की दिशा कविता में वर्णित कवि की ही माता जी की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जो यहाँ इनकी माता जी की जो क्वालिटीज हमें दिखाई दे रही है, हमें उनको बताना है। यमराज की दिशा कविता में वर्णित कवि की माता जी की विशेषता निम्नलिखित है। क्या लिखित है, कवि की माँ धार्मिक प्रवृत्ति की महिलाएं, ये तो हमें दिखाई दे रहा है क्योंकि वो यमराज के बारे में हमको बता रही हैं कैसे करना है। ईश्वर से उनका कॉन्टेक्ट बताया गया है कि वो उनसे सलाह मशवरा लेती हैं, तो एक तरीके से धर्म से रिलेटेड है वो। वह ईश्वर के प्रति अटूट आस्था और विश्वास रखती हैं, ये तो साफ हमें पहले ही छंद में दिखा है उनको। वह ईश्वर से संबंधित बातें इतने विश्वास से बताती हैं कि मानो ईश्वर से नित्य बातें करती हैं, कि मतलब ईश्वर ने हमसे ये कहा, वो ये चाहते हैं, जैसे लगता है कि वो डेली उनसे बातें करती हैं। इसी विश्वास के बल पर वह जीवन में आए दुखों और कष्टों को सहन करने का साहस जुटा लेती हैं। अर्थात वो जिस धर्म पर यकीन करती हैं, उस धर्म की बातों से उनके अंदर विश्वास भरता है और उनके जीवन में आने वाले सुख दुख सभी कुछ से वो लड़ने को तैयार हो जाती हैं। प्रश्न संख्या तीन है, माँ अब नहीं है के द्वारा कवि क्या कहना चाहता है। सिंपल ये दिखाई दे रहा है, माँ अब नहीं है अर्थात उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो इसके माध्यम से वो छुपी हुई बात को भी बताना चाह रहे हैं कि अब उनका ध्यान रखने वाला, उनको सही गलत की पहचान बताने वाला जो कोई है वो नहीं है। तो क्या बता रहे हैं, कवि की माँ उसे हर परेशानी और संकट से बचाने का मार्ग बताती आई थी। वह ईश्वर भक्ति तथा प्रत्येक कठिनाई का हल अपनी समझ से निकाल लेती थी। अब माँ नहीं है तो सलाह देने वाले ईश्वर भी कहीं छुप गए, क्योंकि ईश्वर जो है वो माँ के जरिए ही उन तक आते थे। अब ये जो एक लाइन उन्होंने प्रस्तुत करी है वो इसलिए कही, कहते हैं ना ईश्वर का वास माँ में होता है। हर घर में भगवान नहीं जा सकते थे, इसीलिए हर घर में एक माँ है। तो माँ के जरिए ही ईश्वर को के दर्शन होते हैं। तो अब माँ नहीं है तो हमारे पास ईश्वर भी नहीं है, तो क्या हम उनसे सलाह मशवरा कर सकते, अपनी बातें शेयर कर सकते। तो वो चीज़ इन्होंने यहाँ पर हमको बताई है। और चारों ओर धन बल से युक्त पूंजीवादी ताकतें सर्वस्व हड़पने का तत्पर है। यानी कि चारों तरफ जो है बुरी चीज़ें हैं जो हमको बस किसी तरीके से नस्ते नाबूद कर देना चाहती हैं। माँ के ना होने से कवि को अब ना तो वह स्नेहशील छाया मिलेगी और ना उचित मार्गदर्शन। उसे इन यमराजों ने से स्वयं ही जूझना है। अर्थात जब माँ थी तो यमराज सिर्फ एक थे और उनसे उनको प्रसन्न रखने का जरिया माँ ने बताया था। आज माँ नहीं है और इतनी सारी यमराज हैं, तो अब इन यमराजों से लड़ने और अपने आप को बचाने के लिए कवि को खुद कोशिश करनी होगी। अब माँ नहीं है जो उन्हें इन यमराजों से बचा सकेगी। प्रश्न संख्या चार है, यमराज की दिशा कविता का उद्देश्य लिखिए। तो यहाँ पर दक्षिण दिशा को एक अशुभ दिशा के रूप में प्रतिबिंबित किया गया है, लेकिन आज वर्तमान समय में चारों तरफ हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए कवि ने ये कविता हमारे सामने प्रस्तुत करी है कि दक्षिण दिशा को जिस तरीके से अशुभ दिशा बताई गई सिर्फ एक यमराज की वजह से, क्योंकि यमराज मृत्यु के देवता हैं, तो उनको हमें जो है
जो है क्रुद्ध नहीं करना, इसलिए उनकी तरफ पैर नहीं करना, यानी उनकी बेइज्जती नहीं करना, उन्हें प्रसन्न रखना है। लेकिन आज चारों तरफ यमराज दिशा है, अर्थात चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। तो यहाँ पर भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए इस कविता के माध्यम को यूज किया गया है। तो क्या है यमराज की दिशा? कविता का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि पहले केवल दक्षिण दिशा को ही अशुभ माना जाता था, लेकिन आज तो प्रत्येक दिशा अशुभ है, क्योंकि चारों ओर हिंसा, आतंक, शोषण, अन्याय आदि समस्याएं व्याप्त हैं, जिनके कारण मनुष्य का जीवन असहज और सुरक्षित बन गया। मतलब अगर आप देखो, ये सारी चीजें हैं, हम घर से बाहर कदम रखें, अगर हमारे ऊपर कुछ भी गलत, मान लीजिए आप गाड़ी से जा रहे हो, आप बाइक चला रहे हो, एक्टिवा चला रहे हो, स्कूटी जो भी चला रहे हो, आप तो सही चला रहे हो लेकिन सामने वाला गलत चला रहा है, तो उसके जरिए आपका भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो मतलब यहाँ पर दूसरा गलत कर रहा है। अब भ्रष्टाचार के जरिए देख लीजिए, सड़क अच्छी नहीं बनी, खड्डे हो गए, ये हो सकता है। आप ऑफिस में गए, लोग आप भाई कोई आपसे सीनियर है, वो अपना काम कराना चाहता है, वो वहाँ पर अपने फायदे के लिए काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके साथ अन्याय हो गया, आपका शोषण हो गया। तो यहाँ पर चारों तरफ आजकल ऐसा ही व्याप्त है। तो ये यमराज की दिशा के माध्यम से जो चारों तरफ अन्याय, अशांति, शोषण, ये सब फैला है, उस चीज़ को हमारे सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करी गई है। सिर्फ एक ही दिशा में ये चीज़ नहीं है, चारों तरफ। तो ये पूरी कविता, यानी कि ये पूरा चैप्टर हमने आपको समझा दिया, कविता, अर्थ, सार और प्रश्न, फटफट हमने आपको कंप्लीट करा दिया। तो ये सभी जो हम करा रहे हैं, इसके ये सिर्फ इसी चैप्टर के नहीं, आपके सभी चैप्टर्स के हो रहे, तो ये सब आपको मिलेगा कहाँ? इसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे CBSE K-12 इंग्लिश दिया गया है, बस आप इसको क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ देखिए सारी क्लासेस आ जाएंगी। आपको सिर्फ अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है, क्लास है 9th। जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे, 9th में पढ़ाए जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स आएंगे। जैसे हम यहाँ कौन सी बुक पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे क्षितिज, तो क्षितिज को क्लिक करेंगे। जैसे ही इसे हम क्लिक करेंगे, हमारे सामने क्षितिज की पूरी प्लेलिस्ट इस तरीके से आएगी। अब करना क्या है कि इसको हम क्या कहते हैं, जो भी चैप्टर आपको देखना है सिर्फ आपको उसे क्लिक करना है। तो क्लिक करते ही आपके सामने बहुत सारे टॉपिक्स आ जाएंगे, जो टॉपिक आपको देखना है क्लिक करते ही आपका वीडियो आ जाएगा इस तरीके से। वीडियो देखिए, अच्छे से अपना प्रिपरेशन कीजिए, और अच्छे से एग्ज़ाम है या टेस्ट है या आप पार्ट को समझना चाहते हैं, सब अच्छे से करिए, लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।